हेलो गाइस, मेरा नाम ईशान और आप देख रहे हैं SNS HD। और आज के वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने पहला मैकेनिकल कीबोर्ड को अनबॉक्स करने वाला हूँ। और गाइस, ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है ये कॉस्मिक बाइट की तरफ से आता है और इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसका नाम है कॉस्मिक बाइट का CBGK12 और ये एक RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है, ब्लू स्विच के साथ आता है। तो गाइस चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और तब तक आप सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस कीबोर्ड आप देख सकते हैं, तो चलिए फटाफट से सील को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअल्स दिया है, ठीक है, और ये है स्विच को निकालने वाला जो टूल है, इसके मदद से आप स्विच को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और ये है अपना कीबोर्ड, तो कीबोर्ड ठीक ठाक है, साथ में आपको फोम वगैरह मिल जाता है ताकि कीबोर्ड का कुछ नुकसान ना हो। तो ये है मेरा पहला मैकेनिकल कीबोर्ड, तो क्लिकी तो है गाइस। और जो केबल है नॉर्मल केबल है और यहाँ पे गोल्डन है, ये जो USB कनेक्टर दिया है ये गोल्डन है, तो ये अच्छा है। लेकिन केबल ब्रेडेड केबल आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ये नॉर्मल एक केबल है। तो गाइस पहले बात करते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो नीचे का पोर्शन है ये पूरा एल्यूमिनियम है और आपको इसमें पूरा प्रीमियम फीलिंग देखने के लिए मिलता है। और आप पीछे इसको करेंगे तो यहाँ पे दो फिजिकल बटन्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इस कीबोर्ड को लिफ्ट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये मुझे एक नाइस टच लगा और आपको ये कीबोर्ड में एक प्रीमियमनेस फील होगा क्योंकि ये एक सॉलिड और बहुत ही भारी कीबोर्ड है और आप इसका साउंड सुन ही सकते हैं। कीबोर्ड एक फुल्ली लेआउट कीबोर्ड है और इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप फुल्ली लेआउट कीबोर्ड नहीं चाहते हैं, चाहते हैं एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन, तो आप CBGK16 के साथ जा सकते हैं, वो फुल RGB कीबोर्ड है। लेकिन इसमें आप फुल RGB कीबोर्ड को नहीं देख सकते। फुल RGB का मतलब हर एक की को आप अलग अलग रंग नहीं दे सकते। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी है, 10 प्रीसेट्स है, उनमें से ही आपको कुछ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप हर की में चाहते हैं कि एक अलग अलग रंग दूँ, WASD की को अलग रंग दे दिया, पूरा कीबोर्ड को हरा रंग कर दिया, पीला रंग कर दिया, वो इसमें नहीं होगा। उसके लिए आपको CBGK16 खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसमें नमपैड नहीं है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया, मुझे नमपैड की ज़रूरत था। तो अब दिखाते हैं इसके RGB फीचर्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे RGB फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो फंक्शन की है उसके साथ साथ आपको INS जो की है उसको दबाना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, ये जो है आप देख सकते हैं ये एक प्रीसेट हो गया, इसके साथ साथ ये एक प्रीसेट है। फंक्शन प्लस एरो अप की को चेंज ऊपर और नीचे वाले की को अगर करेंगे तो इसका ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं ये लेफ्ट और राइट से। यहाँ पे देखिए ये स्पीड घट गया और ये स्पीड बढ़ गया, तो ये सब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ और देखिए और भी प्रीसेट्स हैं, तो यहाँ पे ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगता है कि यहाँ पे पूरा आपको रेनबो फीचर देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए और भी है, यहाँ पे पर की आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बहुत सारा फीचर है यहाँ पे, बहुत सारा प्रीसेट्स आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप उसके हिसाब से अपने पसंद से चेंज कर लीजिए। ये देखिए रो वाला आपको देखने के लिए मिलता है और RGB किसको पसंद नहीं है गाइस, RGB बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इस कीबोर्ड को परचेस किया, हालांकि मेरा फेवरेट तो यही है। तो गाइस अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के प्रोज और कॉन्स की। तो पहले बात करते हैं प्रोज की। इस कीबोर्ड का जो प्राइस है वो है 1800 रुपये और इस प्राइस पॉइंट में आपको एक कीबोर्ड मिलता है फुल लेआउट वाला, वो भी मैकेनिकल, और ये सेमी मैकेनिकल नहीं है, ये फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है और साथ में आपको ब्लू स्विचेस भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये चेरी MX ब्लू नहीं है, ये चेरी MX ब्लू का एक रेप्लिका है, लेकिन मुझे इसका क्लिकीनेस बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में आप RGB बैकलाइटिंग का भी मज़ा उठा सकते हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट में कोई भी कीबोर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। आप अगर फुल्ली RGB चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रिमूवर टूल भी दिया है, इसके मदद से आप आसानी से कीबोर्ड के किसी भी स्विच को रिमूव करके देख सकते हैं उसके अंदर क्या स्विच है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ब्लू स्विच यहाँ पे दिया गया है। तो क्लिकिनेस के मामले में और जो फीलिंग ये देता है इस प्राइस पॉइंट में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए आप, इसका जो बॉडी है ये फुल्ली एल्यूमिनियम से बना है और ये जो स्टर्डीनेस आपको प्रोवाइड करता है ये बहुत ज़्यादा हेवी है और आपको एक प्रीमियम फीलिंग देता है। कभी भी ये नहीं लगेगा आपको कि आप 1800 रुपये में एक चीप कीबोर्ड खरीदे हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स में हम बात करेंगे, इसका फुल RGB तो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स आपको देखने के लिए मिलता है, तो फुल RGB देखने के लिए नहीं मिलता है, वो एक कॉन ही मैं बोलूँगा। और गाइज और एक कॉन है, मेरे पास और एक कीबोर्ड था जो मैं पहले यूज़ करता था, ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। आप देख सकते हैं ये लॉजिटेक की तरफ से आने वाला एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, लेकिन आप इसका जो ये एंग्रेव्ड लेटर है वो देख लीजिए, देखिए आपको साफ देखने के लिए मिलता है। आप बिना RGB में अगर काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस कीबोर्ड की बात करें तो अगर आप इस RGB लाइटिंग को ऑफ कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी विजिबल लेटर्स या फिर नंबर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे लाइटिंग आपको देखिए, ये पूरा लाइट से मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है ऐसे में देखने के लिए। तो आपको हर टाइम जो है अपने RGB फीचर को ऑन करके ही रखना है, तभी आप जो लेटर हैं जो नंबर हैं वो अच्छे से देख सकते हैं। ये मुझे बुरा लगा क्योंकि हर टाइम कोई भी लाइट को ऑन नहीं रखता है। तो गाइस कंक्लूजन में बात करें तो अगर आपको 1800 रुपये में एक RGB बैक लाइटिंग वाला एक फुल्ली मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए तो आप इसको ज़रूर से कंसिडर कीजिए, इससे ज़्यादा अच्छा डील आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप नम पैड वगैरह पसंद नहीं करते हैं तो आपको CBG के 16 देखने के लिए मिलता है, वो फुल्ली RGB कीबोर्ड है, आप उसके साथ जा सकते हैं। दोनों के बेस्ट बाय लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके हर हफ्ते आते रहते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।